नायरा को काम करना आ गया है। नायरा कर रही है नानी की हेल्प, है नायरा नानी की हेल्प कर रही है। अच्छा, इतनी सारी गाजर नायरा चुटकियों में खत्म कर देगी, है नायरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नायरा एंड पार्ट व्लॉग्स। तो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, हम लोग आए हैं छत पर, हमारा लंच वगैरह सब हो चुका है, टाइम हो रहे हैं दोपहर के 2 और हम आए हैं छत पे। और छत पे इसलिए आए हैं क्योंकि आज धूप निकली है बहुत दिनों बाद, तो धूप को मजा लेने आए हैं, धूप में बैठने आए हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है, घर के कपड़े सुखाने आए हैं। घर के कपड़े सूखेंगे, साथ में हम लोग बैठेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे एरिया में धूप कितनी अच्छी निकली है और हम लोग इस धूप में बैठ के क्या करते हैं। पार सो रहा है नीचे और नायरा, मैं और मेरी मम्मी मतलब नायरा की नानी, हम सब आए हैं ऊपर। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए कितनी अच्छी धूप निकली है और धूप में सूख रहे हैं कपड़े, हर जगह कपड़े ही कपड़े दिखेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है और धूप में जो बच्चे हैं, बच्चे खेतों में जाके पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग को लूट रहे हैं। अभी तक इनका लोहड़ी का त्यौहार वैसे का वैसे ही मन रहा है। ये देखिए बच्चे यहाँ बैठे हैं दीवारों पे और पतंग लूटने के लिए तैयार हैं। ये देखिए अभी भी यहाँ पर पतंगें उड़ाई जाती हैं, यहाँ 10-15 दिन तक पतंगे ऐसी उड़ाई जाएंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी मम्मी क्या कर रही है। हाँ मम्मी कर रही है क्या? ऑरेंज। हाँ नायरा मम्मी सही सब छील रहे हैं, अनार और संतरा। ये सब छीलने के बाद हम खाएंगे धूप में बैठ के, क्योंकि इनका नंबर धूप में बैठ के आता है। ठंड होती है नीचे बहुत ज़्यादा, तो ठंड में तो खाए जाते ही नहीं है। बहुत दिनों से रखे हुए थे ये, इनका नंबर ही नहीं आ रहा था खाने का। और साथ में करेंगे गाजर को आज कद्दूकस, तो होप कि गाजर का हलवा बन जाए, लेकिन ठंड ज़्यादा है, थोड़ा टाइम लग जाता है। नायरा खा रही है अनार, अनार और यहाँ पे है ऑरेंज, ऑरेंज अनार और अनार और ऑरेंज। नायरा के फेवरेट फ्रूट है। नायरा धूप में ये पसंद है। अच्छा ये पसंद नहीं है, करती बेइज्जती मम्मी की। सब कुछ खाना चाहिए ना बेटा, सारे फ्रूट खाने चाहिए ना। नायरा सारे फ्रूट खाने चाहिए ना। तो देखिए गाइस, सब लोग, सब अंटियां भाभियां, सब बच्चे सब ऊपर ही हैं छत पे, सबके कपड़े सूख रहे हैं, सब पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे। आपको पतंग ही पतंग दिखेगी यहाँ पर। और हमारे घर के साथ में ना ये प्लॉट है, इस प्लॉट में एक ऐसा पक्षी आता है, कभी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, वो कौवे की शक्ल का है लेकिन बहुत बड़ा सारा है। अभी वो है नहीं इस प्लॉट के अंदर, कभी होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और वो बहुत सुंदर है पक्षी, वो कभी कभार आता है इस प्लॉट के अंदर, दिखाऊंगी आपको कभी। तो गाइस धूप का मजा लेते हुए गाजर को किया जा रहा है कद्दूकस। कद्दूकस करने से पहले, कद्दूकस करने से पहले इसको नायरा छील रही है, वो भी अपनी मर्जी से। इसको कितना मना कर रहे हैं कि लग जाएगी हाथ पे, इसको एक तरफ छीलेंगे एक तरफ कद्दूकस करेंगे। तो ये तो उसका हम बनाएंगे उसके बाद गाजर का हलवा। गाजर कद्दूकस हो रही है, अभी तो शुरुआत करी है, देखो कितना टाइम लगता है कद्दूकस करने में। ये रही गाजर, ये कितने किलो गाजर है? अभी 3-3.5 किलो गाजर है ये, जो कि कद्दूकस करेंगे और तब जाके हलवा खाने को मिलेगा। पहले मेहनत करो फिर उसके बाद हलवा मिलेगा। हाँ। है नायरा आपको भी मिलेगा। अच्छा आप मम्मी से बोलना। अच्छा गाइस, सब आपको कह रही है नायरा कि गाइस आप लोग भी बोलना अपनी मम्मी से, आपको भी गाजर का हलवा मिलेगा। नायरा को कितना मना कर रहे हैं कि ब्लेड मत चला ये वाला, फिर भी वो करने लगी हुई है। नायरा लग जाएगी बेटा, है नायरा मैं चुटकियों में काम कर देती हूँ। तो और इस चुटकी में तेरा ब्लेड लग जाते हैं बार बार। अभी दिखाना फिंगर, दिखाना अभी गाइस को, दिखाओ फिंगर अपनी। दिखा जो पतंग की डोर से हुआ था, ये वाली नहीं वाली फिंगर दिखा, ये वाली फिंगर नहीं, वो वाली राइट हैंड की, राइट हैंड की, राइट में लगा था। झूठ बोल रही नायरा, दिखा राइट, दिखा राइट हैंड में, जा दिखा नुनू, दिखा
कहाँ पर लगी है? झूठ बोलती है, ऐसे ब्लेड लग जाएगा फिर, है नायरा? कितना मना कर लो नायरा को, नायरा फिर भी सुनती नहीं है, और फिर ना उसको गाजर को छिली जा रही है। कुछ तो क्या अलग होना चाहिए अब, लेकिन धूप तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है, जिसके करके हमें यहाँ तक से उठ के हमें नीचे बैठना पड़ा। ये हमने गेट भी बंद कर दिया, गेट से हवा आ रही थी, और तकत छोड़ के हम नीचे आ गए जमीनों पे, ताकि हवा कम लग सके। हाँ। और जिस मकसद के लिए हम आए धूप में बैठने के लिए, वो मकसद पूरा हो जाए। ये नायरा ने छील के दिए एक और गाजर ना मम्मी को, मम्मी इसको दोबारा साफ करेगी, क्योंकि अच्छे से नायरा ने साफ नहीं करी है और ऐसी छोड़ दी है। नायरा गाजर को लेटा लेटा के कद्दूकस करती है। मम्मी, अब आओ, किसने बोला? किसने बोला? किसी दे दे। नायरा फिंगर पे ना लग जाए, देख ले फिर। नायरा ने कैप पहनी है अपनी नानी की, नानी की कैप फंसा के नायरा बैठ गई है, बड़ी हवा चल रही है। ओहो, सिर पे ठंड लग रही थी, बुखार ना चढ़ जाए। अंदर से भी हो यहाँ से। नायरा के अब स्कूल खुलने वाले हैं, नायरा हाँ। छुट्टियाँ खत्म, नायरा के स्कूल ओपन होने वाले हैं। कल जाने आ रहे पलवल। हम एक दो दिन में अपने घर चले जाएंगे, है नायरा हाँ। फिर हम वहाँ पर अपना घर दिखाएंगे, और फिर वहाँ पर वो मेसा की तरह मोर बनाए, फिर हम वहाँ पर अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो पहला व्लॉग है वो वहीं का है, हमारे घर का, पलवल का। अब सारे व्लॉग वहीं कंटिन्यू होंगे, है ना नायरा? हाँ। नायरा फिर स्कूल जाया करेगी ठंड में, हाँ। है ना नायरा? हाँ। और कुछ कहना है? नहीं। कुछ नहीं कहना? नहीं। सब बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, कुछ कहना है बच्चों से? नहीं। दोस्तों के भी स्कूल खुल रहे हैं। दोस्तों के भी स्कूल खुल रहे हैं, अच्छा। यहाँ पर जो दोस्त है उसको मिस करेगी नायरा? नानी को एक और गाजर नायरा ने गिफ्ट कर दी है। थैंक्स। नायरा को काम करना आ गया है, नायरा कर रही है नानी की हेल्प, है नायरा? हाँ। नानी की हेल्प कर रही है। इतनी सारी गाजर ना मैं चुटकियों में समा लेती हूँ गाइस। अच्छा, इतनी सारी गाजर नायरा चुटकियों में खत्म कर देगी। हाँ। है नायरा? इस टाइम लाट को नहीं। हाँ, इस टाइम पे कर देगी। हाँ। थोड़ी देर में चुटकियों में। हाँ। अच्छा चलो। हेलो गाइस, ये देखो मैं छत पे हूँ, और हमारे पड़ोसी है दूसरी गली में, उनकी छत पे व्हाइट कबूतर रखे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं व्हाइट कबूतर। वो भैया उनको दाना डाल रहे हैं, दाना नहीं, रोटी खिला रहे हैं उनको, छोटे छोटे टुकड़े करके रोटी खाते हैं ये कबूतर। इन्होंने पाल रखे हैं ये कबूतर, यहाँ इन्होंने छत पे जगह बना रखी है, पूरी वहां तक बना। सुंदर लग रहे हैं कबूतर ये, व्हाइट करके। मैं आपको और जूम करके दिखाती हूँ, कितने सुंदर लग रहे हैं कबूतर ये। चलो अब चलते हैं नीचे, चल नायरा, चलो 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 नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखो खेतों में पानी भी डाल रखा है इन्होंने, पूरी जगह वाटर। शाम को खेत बड़े प्यारे लगते हैं, शाम को और सुबह। मम्मी मम्मी, हाँ जी, पार्थ खेल रहा है मुर्गे के साथ। पार्थ डर रहा है मुर्गे से। चलो ना नीचे, चलो नीचे चलते हैं गाइस। नायरा और हम सब जा रहे हैं नीचे। आपको दिखाया था जो गाजर हम छील रहे थे, गाजर छील तो चुकी है, लेकिन आधी छीली है, आधी नीचे रह गई थी, गलती से पॉलिथीन नीचे रह गई। या तो हम वो कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ। या तो फिर रात को बैठ के करनी पड़ेगी हीटर के आगे। अब हमको हम आपको बाद में मिलते हैं, जब तक उनकी वीडियो को पूरा देखें। ये देखो पार्थ, ये देखो गाइस, पार सो के उठ के आ गया छत पे। अब शाम हो गई है, सब जा रहे हैं नीचे। पार्थ लग जाएगी हाथ पे, ये देखो ईट से खेल रहा है। पार्थ पीछे हो जा बेटा, हाथ पर लग जाएगी। पार्थ आया था ऊपर हैन को देखने के लिए, ये पार सोया होता नीचे जब हम धूप में बैठे थे।
या कपड़े जो सूखे थे वो हमने एक तरफ कर लिए, गीले कपड़े एज यूजुअल स्टैंड पे डाल दिए कल धूप के लिए, धूप में निकलने के लिए। और पार्थ खेलेगा बैलून से, ये नायरा और पार्थ मस्ती कर रहे हैं बैलून के साथ। नायरा आराम से लगना दे भाई को, लग जाएगी ना, लग जाएगी, उस तरफ हो जा, उस तरफ चल, चल उस तरफ चल, उस तरफ हैं गया, हैं गई सोने, हैं देख रहा हूँ मैं इसके नीचे, पता नहीं चला इनको हैं कहाँ चलेगी, लग जाएगी उधर, यहाँ पर लिया नायरा बैलून, नायरा यहाँ पर लिया, चल बेटा, पैर फिर सब गए यहाँ से, चलो बात, चलो चल, नानी भी चल रही, चलो मम्मी दिखाना कपड़े को क्या किया है, कपड़ों की कठड़ी बना ली है नीचे ले जाने के लिए ताकि इजी हो जाए नीचे ले जाने के लिए। चलो चलो गेट लगाएं, चलो चल चलो नीचे, चलो चलो हम जा रहे, चलो बाय बाय करें, चलो चलो खटो, चलो वन टू करें, वन टू, चलो वन टू करें, चलो चलना है नीचे, चलो 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ लो, छोड़ दो कोई बात नहीं, अब गेट लगाऊंगी बस मैं, मम्मी सामान उठा रही है और हम चल रहे हैं नीचे। चलो इसकी सॉक्स सारे पार्ट, तेरे सारे सॉक्स गीली हो गए थे यहाँ पोछे में, नारा ने शूज पहने ना, ये पापा ने इसके शूज डाले ना, इसको फिर सूखने दे, चलो चलो नीचे चले, ध्यान से नायरा, ध्यान से चल, बाल्टी छोड़ बेटा, पार छोड़ दे बाल्टी, पाथू अभी पाथू को आ रहा है, अभी पाथू को आ रहा है सुसु, वो भी उसका नाम पी ए आर टी एच पाल, और नानी हाय करो सबको, हाय मैं आदमी भी कर दिया, हाँ जी मम्मी से हाय करो ना, बोलो बोलो मम्मी, हाय करो, हाय हाय पाठ को कराओ, पता हेलो कर दो, हेलो 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 ऐसे ऐसे करो, पता हेलो कर दो, हेलो ऐसे, नहीं पाठ को नहीं आता करना, अभी नानी पहन रही है कपड़े फोल्ड करना, नारा पहन रही कपड़े फोल्ड करना, नानी कर लिए ना फोल्ड कपड़े, तो क्या होना चाहिए था कपड़े नानी। तो गाइस आगे नीचे, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गाजर जो हम कद्दूकस कर रहे थे ऊपर वो रह गई थी आधी नीचे, जो कि ये रही, अब इन गाजरों को करेंगे कद्दूकस तब जाके ये पूरी होंगी गाजर, ये गाजर तो थी आधी, कम पड़ेगी हमारे परिवार के हिसाब से, तो हम ज्यादा लोग हैं, हम ज्यादा लोग हैं तो हमें गाजरों को हमें और कद्दूकस करना पड़ेगा, हाँ, वो तो है ना, कद्दूकस करना पड़ेगा ना हमें, हाँ, मम्मी मैं छोटे दिखता हूँ, कैमरा ऊपर है इसलिए, ठीक है, आलू का क्या करना है मम्मी। तो गाइस गाजर यहाँ कद्दूकस हो रही है, यहाँ उबल रहे हैं आलू, आलू के साथ बनेंगे अंडे, अंडे और आलू की सब्जी बनेगी, अंडे और आलू की सब्जी बनेगी रात के खाने के लिए, तो हम लोग आपसे खाने की तैयारी करने के बाद मिलते हैं। तो गाइस यहाँ हो रही है कद्दूकस गाजर की, वो भी खच खच कर, गाजर की कद्दूकस पटक 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 करेंगे हम, और गाजर का हलवा खाएंगे, और गाजर का हलवा खाएंगे हम, कौन बनाएगा गाजर का हलवा, नानी बनाएगी, नानी आप गाजर काटे वो बनाएगी, मम्मा हाँ मम्मा काट कूट देगी, नानी बना देगी, फिर नानी अपने तरीके से बनाएगी, कैसे बनाएगी, खाएंगे रात को, बनेंगे अंडे और आलू की सब्जी, अंडे की सब्जी करनी, आप ये ऑमलेट बन जाएगा, पराठी और ऑमलेट खा लेना आप, ठीक है अच्छा, नहीं चलो टेबल लिख लो दूसरे के ट्वेल्व तक जल्दी, हाथ दर्द हो रहा कहाँ पर, आपको टेबल लिखने आते थे टू से ट्वेल्व तक है, ट्वेल्व भी आती तो है। तो फाइनली गाइस रात के बज गए हैं 10 और हम जा रहे हैं सोने, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, टिल देन बाय।